वेलकम एवरीवन, माय नेम इज़ हिना। आई एम अ सीए फाइनल स्टूडेंट एंड इस वीडियो में और इस वीडियो से रिलेटेड आने वाली सभी वीडियो की सीरीज़ में उदयपुर से रिलेटेड बात करेंगे। उदयपुर क्या टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, कितने का बजट है और उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हम इन वीडियोज़ के थ्रू शेयर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर मोर टाइम, लेट्स बिगिन विद उदयपुर। तो दिस इज़ आवर इंडिया मैप एंड दिस इज़ राजस्थान। राजस्थान के सेंटर में, साउथ मोस्ट पार्ट में, यहाँ समवेयर हेयर इट्स उदयपुर। और अगर हम बेसिकली उदयपुर के ही राजस्थान के मैप पे चलें स्पेसिफिकली, तो देखिए दिस इज़ राजस्थान एंड इसके साउथ में स्ट्रेटली दिस इज़ उदयपुर। तो आप अपने साथ कोई मैप रखें या फिर मेरे पास ये डायरी थी और डायरी का मैप और प्लस गूगल मैप मैंने यूज़ किया था, क्योंकि मोस्टली हमने प्रेफर किया था कि हम अपने आप घूमें बाई स्कूटी और बाई सेल्फ व्हीकल। तो स्टार्ट करते हैं उदयपुर की ब्रीफ हिस्ट्री से। उदयपुर इज कैपिटल ऑफ मेवाड़ एंड इट इज़ फाउंडेड बाई राजा उदय सिंह एट राजस्थान इन इंडिया। इट इज़ फेमस फॉर इट्स आर्टिफिशियल लेक, इट्स रॉयल लेविश पैलेसेस एंड राजपूताना एरा एंड इट्स कल्चर। इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स फाइव स्टार होटल, हेरिटेज म्यूजियम, टेम्पल्स, पैलेसेस एंड राजपूताना कल्चर। इट इज़ सराउंडेड बाई अरावली हिल्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिटी ऑफ लेक्स एंड दीज लेक्स आर पिछोला लेक, फतेह सागर लेक, स्वरूप सागर लेक, रंग सागर लेक एंड दूध तलाई लेक, विच आर ऑल्सो पार्ट ऑफ NLCP यानी कि नेशनल लेक कन्वर्जन प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर रिस्टोरेशन पर्पसेस। उदयपुर इज 660 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली एंड 800 किलोमीटर्स फ्रॉम मुंबई। महाराणा प्रताप एयरपोर्ट सर्व एज एन एयरपोर्ट ऑफ उदयपुर विच इज 23 किलोमीटर फ्रॉम सिटी सेंटर। उदयपुर इज ऑल्सो कनेक्टेड विद उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन और यू मे ऑल्सो रीच उदयपुर बाय रोड। वी टुक आवर फ्लाइट फ्रॉम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू महाराणा प्रताप एयरपोर्ट। ऑन अराइवल वी हायर अ कैब फ्रॉम महाराणा प्रताप एयरपोर्ट टू सिटी सेंटर विच टुक अस 20 minutes without traffic. It is also called Venice of East and it is popular for its Vandini sari, silver jewelry and handcraft articles. Perfect timing to come Udaipur is from November to February. Sunset timing is around 6:20 PM. In summers, the temperature is 45 degrees on an average, so it is preferable to visit during winters. So we will start with City Palace. City Palace is built over a period of 400 years. It is founded by Maharaja Uday Singh. It does have Rajputana architecture and it is owned by HRH Group of Hotels. Primarily, aapki entry Bada Pol ke through hogi. You can also hire battery rickshaw just by paying 50 rupees over the ticket counter. But City Palace ke liye aapko battery car hire karne ki zarurat nahi padegi. Let's come back again to City Palace brief history. So earlier, Chittorgarh was capital of Mewar. But after continuous attack of Mughal Empire, Akbar, capital of Mewar changed from Chittorgarh to Udaipur. After famous Haldi Ghati battles won by Maharana Pratap Singh, Marathas started attacking Rajputs. To overcome this, Maharaja Bhim Singh signed a treaty with British government and accepting their protection. In 1947, India got its independence. In 1949, entire Mewar kingdom and other palaces merged with Democratic India. And successive Maharajas retained their ownership to the palaces and converted them into heritage and five-star hotels. City Palace complex itself has 14 different palaces. That are Janana Mahal, Mardana Mahal, Sheesh Mahal, Rang Bhavan, Mor Chowk, Manak Mahal, Lakshmi Villa Chowk, Krishna Villa, Dilkhush Mahal, Moti Mahal, Chini Chitrashala, Amar Villa, which is the highest point of the palace. Shiv Nivas Palace and Fateh Prakash Palace now converted into 5-star heritage palaces. Detail history ke liye aap yahan se ye guide bhi hire kar sakte hain jinke standard charges 300 rupees per guide hain. ऑन एन एवरेज आपको 3 hours लगेंगे सिटी पैलेस कवर करने में। टाइमिंग ऑफ पैलेस इज फ्रॉम 9:30 टू 5:30 PM एंड इट इज़ ओपन फॉर ऑल डेज। पैलेस की एंट्रेंस में ही आपको यहाँ पर रूल करने वाले सभी राजाओं की एक ब्रीफ बायोग्राफी मिलेगी। स्टार्टेड फ्रॉम महाराणा जय सिंह।
यहाँ से फर्स्ट फ्लोर चढ़कर आपको मंदिर, म्यूजियम, पेंटिंग्स, एंटिक फर्नीचर, सिल्वर ऑर्नामेंट्स आदि मिलेंगे। पैलेस के जनाना और मर्दाना महल की खिड़कियों और बालकनी से आपको कुछ इस तरह के सीन देखने को मिलेंगे। रिचक मंदिर आयरलैंड है, जो एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। पैलेस की विंडोज एंड बालकनीज से शहर कुछ इस तरह दिखता है। दिस इज द मेसमराइजिंग व्यू ऑफ उदयपुर सिटी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेनाइस ऑफ ईस्ट। This looks so cinematic, beautiful and royal. That is the parking and main entrance. Palace के दूसरी साइड की विंडोज एंड बालकनी से आपको पिचोला लेक का व्यू दिखेगा, जिनमें से आप पिचोला लेक के आइलैंड को देख सकते हैं, जिनमें जग मंदिर, लेक पैलेस शामिल हैं। एंड दिस इज वेरी फेमस, ब्यूटीफुल एंड कलरफुल मोर चौक। और खूबसूरत पैलेस शीश महल, इस पूरे महल में कांच की कारीगरी की गई है। महल में आपको इस तरह की काफी सारी पतली ठंडी गलियां मिलेंगी, जो कि सेफ्टी पर्पस से बनाई जाती थी। रसोई एरिया और रसोई में यूज होने वाले छोटे बड़े बर्तन। ये कृष्ण विला की रसोई है, जिसमें प्रसाद बनाकर बांटा जाता था। सेफ्टी स्टेयर्स टू कम डाउन एंड अप। यहाँ एक सिल्वर म्यूजियम था, जिसमें सभी आर्टिकल चांदी के थे, जैसे कि ये बड़ा चांदी का मंडप और ये छोटा सा ठंडा पैलेस का रूम। जब पैलेस घूम घूम के थक जाओ तो यहाँ आके रिलैक्स करो। और अब मेरा फेवरेट पार्ट, और अब सिटी पैलेस का एंड एंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सिटी पैलेस, दैट इज अमर विला। पैलेस में चांदी के कई आर्टिकल थे, जैसे कि ये चांदी का झूमर, चांदी का मंदिर, चांदी से सजा ये घोड़ा, उदयपुर का मैप, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, चांदी की थाली, चांदी का हुक्का, चांदी की गाड़ियां, चांदी का चेस, चांदी की टूथपिक, चांदी के एयरक्राफ्ट। और अब हम महल से बाहर आ चुके हैं फॉर हैविंग सम लंच, जिसके लिए हमने ये रूफटॉप रेस्टोरेंट सेलेक्ट किया है। और इसके बाद हम जाएंगे जग मंदिर आयरलैंड, जो कि पिचोला लेक पर है, जिसको हम आने वाली वीडियो की सीरीज में कवर करेंगे। बाय, स्टे सेफ, टेक केयर एंड एंजॉय द वीडियो।